हेलो दोस्तों, सो हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? इज इट फैंटास्टिक और गुड? आई थिंक इट इज फैंटास्टिक। ओके, सो आई एम राजीव शर्मा एंड आई एम योर जनरल स्टडीज फैकल्टी हियर। मैं आपका सामान्य अध्ययन का शिक्षक हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आईसीई ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोग्राम में। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लोक सेवा परीक्षाओं जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशंस और स्टेट बोर्ड्स द्वारा ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन जैसे कि मध्य प्रदेश पीएससी, जैसे कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन और मेनी अदर जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उन एग्जामिनेशंस की तैयारी में मदद करने के लिए बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के सामान्य अध्ययन का फैकल्टी हूं, तो हम लोग सामान्य अध्ययन के विषयों पर विचार करेंगे इस वीडियो में। आज हमारा टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है वो इतिहास विषय से है। आप जैसा कि समझ सकते हैं, इतिहास बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग विषय है और सिविल सेवा परीक्षाओं में इस विषय का अपना एक विशेष महत्व है। मेरे अनुमान से देखें तो सिविल सेवा के दो भाग हैं, पहला प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा भाग है मुख्य परीक्षा। यानी कि आपने सुना होगा, पहला है प्रिलिम्स एग्जामिनेशन और दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन। अगर इतिहास विषय का महत्व दोनों परीक्षाओं में देखा जाए तो दोनों में ही अपने वेटेज यानी कि भार के अनुसार इतिहास लगभग समान है। जहां प्रारंभिक परीक्षा में ये ना सिर्फ जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक एक पेपर वन में इंपॉर्टेंट होता है, इसके कई सारे संबंध अन्य भागों से भी बनते हैं। जैसे कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करें तो हमें देशों का इतिहास पता होना चाहिए। वहीं अगर आप भूगोल की बात करें तो आपको भूगोल का भी इतिहास पता होना चाहिए। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति तो विषय ही ऐसा है जिसकी शुरुआत ही इतिहास से होती है। तो हम और आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि इतिहास हमारे लिए सिविल सेवा परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। वहीं अगर प्रारंभिक परीक्षाओं की बात करें तो ये बहुत तथ्यात्मक होता है, इट इज वेरी फैक्चुअल, जिसके कारण प्रारंभिक परीक्षाओं में हमें ये थोड़ा सा कठिन नजर आता है, जिसमें एक सही स्ट्रेटेजी की हमें जरूरत होगी, एक सही रणनीति की जरूरत होगी। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और क्या कारण है ऐसा कि हमें वही चीज पढ़नी है। क्या चीज समसामयिकी से संबंधित है, क्योंकि इतिहास की भी समसामयिकी होती है। तो हम इन सब चीजों पर विचार करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना देर किए अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का लेक्चर इस इतिहास विषय से आ रहा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वैदिक साहित्य यानी वैदिक लिटरेचर। दोस्तों, अगर हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य एक ऐसा विषय है जो इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? अगर हम इसके बारे में समझें या इसके महत्व को समझें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन हम हमेशा प्रमाणों के आधार पर करते हैं। देखिए, बिना प्रमाणों के हम कभी भी इतिहास को अध्ययन में नहीं ला सकते। वी कैन नेवर स्टडी द हिस्ट्री विदाउट द एविडेंसेस। और इतिहास के ये जो प्रमाण हैं, वो हमें पूरे दो रूपों में मिलते हैं। पहला जो रूप होता है उस रूप को हम कहते हैं अलिखित प्रमाण, और दूसरा जो रूप होता है वो होता है लिखित ऐतिहासिक प्रमाणों का। दोस्तों, जब हम अलिखित प्रमाणों की बात करते हैं, जैसे पाषाणकालीन सभ्यताओं की, जब भाषाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब मनुष्य ने भाषा की उत्पत्ति ही नहीं की, उसका प्रयोग शुरू नहीं किया, तो उस संबंध में हमें कई सारे अलिखित प्रमाण मिलते हैं, अनरिटन रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाओं से हमें रॉक शेल्टर्स यानी शैल आश्रय मिलते हैं। शैल आश्रयों में उनके पाषाण दीवारों यानी पाषाण भित्तियों पर, शैल भित्तियों पर कई सारे चित्र अंकित मिलते हैं, जिनसे हमें उनके जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल का पता चलता है। वे लोग किस शैली में रहते थे, क्या वो सामूहिक परिवारों में रहते थे या नहीं रहते थे, क्या वो न्यूक्लियर फैमिलीज बनाकर रहते थे, एकल परिवारों में रहते थे, वो किस तरीके का जीवन जीते थे, क्या वो युद्ध करते थे, वो किस प्रकार के जानवरों को पालते थे या किस प्रकार के जानवरों का उपयोग करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरीके से दोस्तों, हमें जब हम लिखित प्रमाणों की बात करते हैं तो हमें इतिहास की सबसे ज्यादा प्रमाणित, सटीक और बेहतर जानकारी देने वाले स्रोत लिखित स्रोत माने जाते हैं। और जब हम इन लिखित स्रोतों की बात करते हैं तो अभिलेखों के अतिरिक्त हमें जो सबसे सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित लिखित स्रोत, सिस्टमैटिक रिटन रिसोर्सेज मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को ही हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं।
तो हमने ये समझा कि जो वैदिक साहित्य है उनका महत्व तो क्या है, क्योंकि ये लिखित प्रमाण है और लिखित प्रमाण हमें सटीक जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम इस वैदिक साहित्य की परिभाषा की बात करें, हमारा पहला प्रश्न तो यही है कि वैदिक साहित्य को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो जब हम इस परिभाषा की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य हमें किस तरीके से दिखाई देते हैं, हम उस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। बात करते हैं वैदिक साहित्य की परिभाषा की। तो यह परिभाषा हमें क्या बताती है? यह परिभाषा हमसे कहती है कि प्राचीनतम लिखित ग्रंथ वेद, वेदों के अंग और वेदों से जन्मे अन्य साहित्य वैदिक साहित्य है। यानी हमने यहां वेदों की परिभाषा को तीन रूपों में विभाजित किया है। पहला कि वेद वैदिक साहित्य क्या है, तो पहला तो वैदिक साहित्य स्वयं वेद हैं, जिनके बारे में आपने इससे पहले सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हमारे पास चार वेद हैं प्राचीनतम लिखित ग्रंथों के रूप में। जैसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद है, तीसरा हमारा सामवेद है और चौथा वेद हमारा अथर्ववेद है। तो ऋग, साम, यजुर, अथर्व, दीज आर दी फोर वेदास इन द हिंदू लिटरेचर्स। वहीं दूसरे अंग की बात करें तो हम कहते हैं कि वेदों के अंग, यानी इसी वैदिक साहित्य से जन्मे हुए कुछ अन्य अंग जो इन्हीं से निकले हुए हैं, उन्हें भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसका एक हिस्सा माना जाता है। वहीं अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो वो है वेदों से जन्मे अन्य साहित्य, जो वेदों से ही जिनका जन्म हुआ है वो अन्य साहित्य। जैसे वेदों से ही निकले हुए साहित्य उपनिषद साहित्य माने जाते हैं, तो वो भी वैदिक साहित्य में ही कंसिडर किए जाते हैं, उन्हें वैदिक साहित्यों का ही एक भाग माना जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास वैदिक साहित्य के कुल तीन रूप आते हैं। लेकिन वहीं हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न आ जाता है, वो दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या वेदों को किसी अन्य परिभाषा के तौर पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर या सबसे श्रेष्ठ परिभाषा हो सकती है वो परिभाषा होगी कि वैदिक साहित्य वे साहित्य हैं जिन्हें विश्व साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथों का दर्जा प्राप्त है। और ये सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली भी है और हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता को भी प्रदर्शित करती है। कैसे? हम जब बात करते हैं वैदिक साहित्य की, तो यह इतिहास भी प्रमाणित करता है कि ऋग्वेद संसार की सबसे पहली लिखित पुस्तक है, यानी सर्वप्रथम लिखित पुस्तक है, द फर्स्ट रिटन लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। और इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो संपूर्ण विश्व का साहित्य है, जो विश्व के किसी भी हिस्से में लिखा गया, जो स्क्रिप्ट किया गया, जिसकी लिपि बनाई गई, उसमें सबसे पहला साहित्य जो है वो वेदों का ही संकलित साहित्य है। इसीलिए हम वेदों के लिए परिभाषा उपयोग करते हैं। एक बार हम फिर देखते हैं ये क्या कहती है, कि वैदिक साहित्य वे साहित्य हैं जिन्हें विश्व साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथों का दर्जा प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हमारे सामने एक प्रश्न और उठता है। वो प्रश्न ये कि वो कौन सी भाषा थी प्रारंभिक जिसमें वैदिक साहित्य लिखे गए। और जब हम इन वैदिक साहित्यों की उस प्राचीनतम भाषा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य की भाषा जो है वो संस्कृत है, और संस्कृत के सर्वप्रथम उपयोगकर्ता आर्य थे। यानी वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है जिसके सर्वप्रथम उपयोगकर्ता आर्य थे। ये आर्य प्रजाति के लोग थे। दोस्तों, आपने आर्यों का नाम जरूर सुना होगा। दरअसल प्राचीन भारत को दो भागों में बांटा गया। पहले भारत का भाग उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से शुरू होकर के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं तक माना जाता है। यह वो भाग था जहां तक आर्य संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और इसी भाग को हमने आर्यवर्त नाम दिया। वो भाग जहां आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ उसे आर्यवर्त नाम दिया, जबकि विंध्याचल से कावेरी नदी के क्षेत्र तक के भारत को हमने दक्षिणावर्त नाम दिया। एक आर्यवर्त और विंध्याचल से नीचे कावेरी नदी तक दक्षिणावर्त, यह भाग द्राविड़ प्रजाति का भारत था। तो एक दूसरे के समकालीन भारत में दो प्रजातियां रहीं, एक आर्य प्रजाति और एक द्राविड़ प्रजाति। इसके बारे में कई सारी पुराणों में भी उल्लेख मिलता है, इसके बारे में कई अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इसके बारे में अपनी किताबों में वर्णित किया है। दोस्तों, जब हम इन आर्यों की बात करते हैं तो आर्यों को वेदों का रचनाकार भी माना जाता है। आर्यों का रचनाकार का अर्थ क्या है कि वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन थे, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, तो वैदिक साहित्य के रचनाकार आर्य थे। यही आर्य प्रजाति के लोग जिन्हें भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सामूहिक बसाहट प्रारंभ की है और भारतीय संस्कृति का उदय किया। कहते हैं कालिदास के द्वारा रचित नाटक जिसका नाम हमें अभिज्ञान शाकुंतलम मिलता है,
मैं दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है, और दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र के बारे में इसमें बताया गया है, जिस पुत्र का नाम जन्म के पश्चात भरत रखा गया। ये भरत आर्य राजा हुए और इन्हीं के वंशज बाद में आर्यवंश या भरतवंशी कहलाए, और इन्हीं भरतवंशियों के नाम पर यानी इन्हीं आर्यों के नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा है। ये भी हमें इतिहास से मिलता है। ये जानकारियां जब हमें इतिहास से मिलती हैं तो हम निश्चित तौर पर यह समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति के जनक आर्य ही हमारे वेदों के रचनाकार रहे, क्योंकि वेद ही हमारी संस्कृति के स्रोत हैं और इन स्रोतों के रचनाकार आर्य माने जाते हैं। इसीलिए अप्रत्यक्ष तौर पर हम ये कहते हैं कि आर्य हमारी संस्कृति के जनक हैं। तो दोस्तों ये बात तो है कि वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य की भाषा क्या है और वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन थे, लेकिन यहां एक प्रश्न ये भी उठता है कि दरअसल वैदिक साहित्य यानी कि सर्वप्रथम भाग वेद, इस वेद में है क्या? और फिर हमारे सामने ये प्रश्न भी उठता है कि ये वेदों की रचना क्यों की गई, और जिन आर्यों ने की वो आर्य कौन थे? तो अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर इतिहास में तलाशने की कोशिश करें तो हमें इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है या इस प्रकार के दर्शन हमें मिलते हैं कि वेदों की वास्तविक रचना श्रुतियों के आधार पर हुई है। श्रुति जो संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है जिसका वास्तविक आशय होता है सुना हुआ। मैं जब बात करता हूं श्रुति ग्रंथ की यानी कि सुने हुए की, देखिए स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो जानकारियां उपलब्ध कराने वाले साहित्य आज तक लिखे गए उन साहित्यों की, तो वो साहित्य दो भागों में बांटे गए हैं। जो हिंदू धर्म के साहित्य हैं या जो हिंदू ग्रंथ हैं, इन हिंदू ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है। द हिंदू लिटरेचर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला भाग दोस्तों श्रुति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? श्रुति ग्रंथ। दूसरा भाग जो है उसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इन दोनों का क्या मतलब है? तो जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है, श्रुति ग्रंथ की बात करते हैं तो श्रुति ग्रंथ का आशय होता है सुना हुआ। देखिए जब हम वेदों की बात करें तो वेदों के बारे में जो मान्यता है वो ये है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वास्तविकता में वेदों को लिखने का उद्देश्य था सृष्टि के नियमों को समझना, सृष्टि की उत्पत्ति और उसके संचालन को समझना। दरअसल सृष्टि के संचालन और उत्पत्ति को समझाने के लिए ऐसा माना गया कि वेदों की रचना ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर की गई, और ये वो ईश्वरीय ज्ञान है जो ईश्वरीय ज्ञान हमारे आर्य ऋषियों को आकर के स्वयं ईश्वर ने दिया या ईश्वर ने सुनाया। क्योंकि वेदों में हमें ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं जिनको आज विज्ञान प्रमाणित भी कर रहा है। अगर आप सामवेद की ही बात करें तो सामवेद का द्वितीय कांड जो कि देवता इंद्र को समर्पित है, ऋग्वेद में इन्हें युद्ध का देवता भी माना गया है, देवता इंद्र को समर्पित यह द्वितीय कांड इंद्र कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी एक हाइमन यानी कि मंत्र का उल्लेख यानी कि आशय जो है वो इस तरह से किया गया है कि वास्तविकता में देवता इंद्र ही अपने भुजा बल से इस पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाए रखते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए जानने वाली बात यह आवश्यक नहीं है कि देवता इंद्र अपने भुजा बल से पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाते हैं। दैट क्लियरली मीन्स दैट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कई वर्षों पहले, कई हजार वर्षों पहले हमारे साहित्यों में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। वी हैवेंट एक्सपेरिमेंटेड इट एट दैट टाइम। हमने उसे प्रमाणित नहीं किया लेकिन हमने उसे लिख दिया, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया। यानी कि वेदों में सृष्टि के तत्वों का इतना बड़ा ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान जो हमें मिलता है उससे हमें ये शंका तो होती ही है कि इतना ज्यादा ज्ञान कहाँ से आया, और इस वजह से ये मान्यता भी मानी जाती है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये श्रुति है जो ईश्वर के द्वारा सुनाई गई और ऋषियों द्वारा उसका संकलन किया गया। तो हम जब वेदों के रचयिताओं की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं वेदों का संपादन हुआ, वेद लिखे नहीं गए, वेदों का संपादन हुआ, द लिटरेचर्स वर एडिटेड। वहीं अगर हम स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं तो स्मृति ग्रंथ याद किया हुआ ग्रंथ है कि कभी कोई घटना घटित हुई, वो घटना याद है और उस घटना को लिख दिया गया है। जैसे अगर अभी आप नोट्स बना रहे होंगे और मैं जिस तरीके से आपको लेक्चर्स बता रहा हूं तो आप जो सुनकर लिख रहे हैं वो श्रुति है, और इसी को जब आप जाकर के अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो स्मृति हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको श्रुति और स्मृति के मध्य का अंतर जो है वो स्पष्ट हुआ होगा।
और जब हम वेदों की बात करें तो हमें ये याद रखना है कि वैदिक ग्रंथ जो है वो श्रुति ग्रंथ है। दोस्तों जब हम इन श्रुति साहित्यों की बात करते हैं तो ये जो श्रुति साहित्य है वैदिक ग्रंथों में, उन्हें हम चार भागों में बांट देते हैं। दोस्तों ये जो श्रुति साहित्य है जिन्हें हमने चार भागों में बांटा है, उन चार भागों को हम इस रूप में निरूपित करते हैं कि पहला भाग जो है उसे हमने नाम दिया है संहिता। यह है संहिता, इंग्लिश में हम इसके लिए SAMHITA यानी कि संहिता लिखते हैं, वैसे इसका असल प्रोनंसिएशन संहिता ही होगा। जबकि जो दूसरा भाग है उसे हम लोग ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। जबकि तीसरा भाग जो है उसे आरण्यक नाम दिया गया है। दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया है? आरण्यक, आरण्यक। जबकि चौथे भाग को हमने नाम दिया है उपनिषद। इसे क्या नाम दिया है हमने? उपनिषद। तो इस तरीके से श्रुति साहित्य के चार भाग हो जाते हैं। यद्यपि उपनिषदों का कुछ हिस्सा श्रुति साहित्य में भी आता है और उपनिषदों का कुछ हिस्सा स्मृति साहित्य में भी आता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों इस प्रकार श्रुति साहित्य के चार भाग हमारे पास आते हैं, पहला संहिता है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा आरण्यक है और चौथा उपनिषद है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले भाग की यानी कि संहिता की, यह संहिता जो है इसे वास्तविक तौर पर वेदों का संकलन ही कहा जाता है, यानी कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली जो प्राथमिक रचनाएं हैं, जो मूल वैदिक रचनाएं हैं यानी चार वेद, वही संहिता के नाम से जाने गए हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम संहिता को पारिभाषित करना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं कि चार वेदों का संकलन संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संहिता, चार वेदों का संकलन, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म में फोर वेदाज आर कॉल्ड व्हाट? संहिता लिटरेचर्स। दीज आर दी कोट्स। मैंने बताया ना संहिता शब्द होता है कोट्स, कोट्स यानी नियमों का संकलन, और वेद क्या देते हैं? सृष्टि के नियमों का संकलन, क्योंकि सृष्टि के नियमों का पालन करना ही धर्म माना गया। उत्तर वैदिक काल में दो मूल चीजों की या दो मूल शब्दों की बड़ी महत्वपूर्ण संकल्पना दी गई है। पहला जो शब्द आपको दिया जाता है वो है धर्म, और दूसरा जो शब्द आपको दिया जाता है वो है रित। तो धर्म समाज के प्रति और स्वयं के प्रति कर्तव्य कहे गए हैं, और रित क्या कहा गया है? रित कहा गया है सृष्टि का विधान, नियति का विधान, प्रकृति का विधान, द रूल्स ऑफ नेचर। तो वो जो धर्म और रित है ये वैदिक धर्म व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थे उत्तर वैदिक काल में, और उनके हिसाब से अगर हम समझें तो वैदिक संहिता भी दरअसल सृष्टि के उन नियमों की संहिता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम इन वेदों को देखें तो हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि जो वेद हैं वो चार हैं, और इन चार वेदों को हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में पारिभाषित करते हैं। इनके नाम आपने आवश्यक रूप से सुने होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम चारों वेदों को ठीक से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों ऋग्वेद जो है इसकी उत्पत्ति दरअसल ऋक् शब्द से हुई है। किससे हुई है? ऋक् शब्द। ये जो ऋक् शब्द है इस ऋक् शब्द का ही अर्थ है स्तुति, आराधना, देवों की स्तुति करना। दैट मीन्स डिवोशन टूवर्ड्स समवन, डिवोशन टूवर्ड्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवोशन टूवर्ड्स द नेचर एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी हमारी भक्ति, हमारी स्तुति किसके प्रति है? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, ये प्रकृतिवादी देवता हैं जिनकी स्तुति ऋग्वेद में की गई है। वहीं एक शब्द जो आता है वो है वेद। दरअसल वेद शब्द जो है इसका अर्थ होता है जानना, जानने की इच्छा रखना, यानी कि जिज्ञासा। वेद दरअसल ज्ञान शब्द से बना है क्योंकि इसमें सृष्टि के नियम निहित हैं, ईश्वर ने यह ज्ञान स्वयं हमें दिया, इसीलिए हम बोलते हैं कि सृष्टि के प्रति हमारी जो जानने की इच्छा थी उसी इच्छा को वेदों में व्यक्त किया गया है,
और उसी को हम वहां पढ़ रहे हैं, सृष्टि के उन नियमों को हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए वेद का अर्थ होता है जानना और ऋक् का अर्थ होता है स्तुति, यानी कि ऋग्वेद में क्या है, देवताओं के प्रति स्तुति और देवताओं के संबंध में जानना, यानी ऋग्वेद के सभी मंत्रों और सूक्तों में इसी स्तुति की सस्वर अभिव्यक्ति की गई है। सस्वर यानी भाषाई रूप में, लिखित रूप में अभिव्यक्ति की गई है। वहीं जब हम बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद जो है उसका आशय होता है, देखिए साम ये जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है गान। शाम का अर्थ क्या है, गान। इसका अर्थ क्या है, देखिए सामवेद ही संगीत शास्त्र का जन्मकर्ता माना जाता है। सामवेद से ही संगीत शास्त्र पिंगल शास्त्र का जन्म हुआ। नारदकीय शिक्षा सूत्र जो नारद मुनि ने लिखा है, वो जो घर घर जाकर चुगली करते थे ना, वो नारद मुनि के द्वारा रचित नारदकीय शिक्षा सूत्र है, वही संगीत शास्त्र का जन्म करता है। और उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, सामवेद से हुई है। तो साम का अर्थ ही गान होता है, यानी गायन शास्त्र के बारे में पद्य रूप में लिखा गया वेद है। वहीं अगर हम यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद में एक शब्द आता है यजु। क्या शब्द आया, यजु। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ क्रियाएं, यज्ञ जो त्याग की अभिव्यक्ति करते थे। दीज वर शोइंग द सेक्रीफाइस, त्याग। प्राचीन काल में यज्ञ शब्द का अर्थ यही निकाला गया, और यज्ञ कई सारी क्रियाओं में महत्वपूर्ण माने जाते थे। वैसे धार्मिक क्रियाओं में उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते तो यज्ञ इतनी ज्यादा बलवती हो चुके थे, समाज पर इतने ज्यादा प्रभावशाली हो चुके थे कि क्षत्रिय धर्म में यज्ञ एक महत्वपूर्ण क्रिया माने जाने लगे। और इसी वजह से क्षत्रिय जिनके लिए उनके पुरोहित यज्ञ कराते थे, ब्राह्मण से ब्राह्मण सत्ता समाज में सर्वोच्च सत्ता बन गई थी। इन यज्ञों के बारे में हमें यजुर्वेद में प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे यजुर्वेद में दो सबसे प्रमुख यज्ञ जो बताए गए हैं, उनमें सबसे पहला यज्ञ आता है राजसूय यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ जो हमारे पास आता है वो है राजसूय यज्ञ, जबकि दूसरा यज्ञ जो आता है वो है वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि राजसूय यज्ञ कोई भी राजा अपने राज्याभिषेक के समय कराता था, यानी वो राजा जब सिंहासन आसीन होता था, he was coronated when he was sitting on the throne, जब वो अपना राज्याभिषेक कराता था, तो उस राज्याभिषेक के समय परफॉर्म किए जाने वाले रिचुअल परंपरा को राजसूय यज्ञ कहा गया है। जबकि वाजपेय यज्ञ की बात करें तो वाजपेय यज्ञ राजा द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि कई सारे जो एक तरीके से बोल सकते हैं प्रदर्शन किए जाते थे, कई सारे उत्सव आयोजित किए जाते थे या प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, और राजा अपना शक्ति का प्रदर्शन करता था, यानी कि राजा अपने आप को चक्रवर्ती प्रदर्शित करने के लिए या चक्रवर्ती घोषित करने के लिए इस यज्ञ का प्रयोग करते थे या इस यज्ञ को परफॉर्म करते थे। वहीं अगर हम अपने आखिरी वेद पर जाएं जिसका नाम है अथर्व वेद, तो दरअसल अथर्व जो शब्द है वो अथर्वा ऋषि से जन्मा है। किससे जन्मा है, अथर्वा ऋषि से। अथर्वा ऋषि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख ऋषि रहे हैं, इसीलिए जो अथर्वा ऋषि हैं वो अथर्वा ऋषि के रचनाकार होने के कारण या संकलनकर्ता होने के कारण ही अथर्व वेद का नाम अथर्व वेद पड़ा। दरअसल ये चिकित्सकीय और जादुई मंत्रों का समावेश माना जाता है। अथर्व वेद जो है इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद इसलिए भी, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल में लिखा गया ग्रंथ है, जिस कारण उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता ब्रह्म स्वयं थे, ब्रह्मा स्वयं थे, इसीलिए इसे ब्रह्मवेद कहा जा सकता है। या दूसरा कि अथर्व वेद का गायन करने वाले जो ऋषि या ब्राह्मण होते हैं उन्हें ब्रह्म के नाम से ही जाना जाता है, जो अथर्व वेद का प्रोनंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं उसके मंत्रों का, इस वजह से भी इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम इन चारों वेदों की बात करें, तो इन चारों वेदों में पहले प्रारंभिक जो तीन वेद आप देख रहे हैं, प्रारंभिक तीन वेद जो आप देख रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा गया है। क्या कहा गया है, वेद त्रयी, जबकि अथर्व वेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया। यह हमें ध्यान रखना है कि वेद त्रयी में सम्मिलित किसे किया गया है,
ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रय में सम्मिलित नहीं किया गया। और उसका क्या कारण माना जाता है? उसका कारण ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई मानी गई है, जो आर्यों द्वारा संपादित नहीं माना गया, जबकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पूर्व वैदिक काल में रचना किए गए माने गए हैं, और इनका जो रचना है वो आर्यों द्वारा की गई मानी गई है, इसीलिए इन तीनों को वेद त्रय के नाम से जाना गया। तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है प्रारंभिक परीक्षा में भी कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो उसका उत्तर हम देते हैं अथर्ववेद नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये तो रही संहिता की बात, जबकि संहिता के बाद श्रुति साहित्यों में ही हमारे और अन्य ग्रंथ आते हैं, जिनमें अब दूसरा जो नंबर आता है वो है ब्राह्मण ग्रंथों का। ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, उनका नाम ब्राह्मण दरअसल पड़ा ही इसीलिए क्योंकि इन्हें ब्राह्मण जाति द्वारा संपादित किया गया, और क्योंकि इन्हें ब्राह्मण जाति द्वारा संपादित किया गया जिस कारण इनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ पड़ गया। तो ये ग्रंथ जो है वो हमारे लिए किस मायने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो हम इसका महत्व कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें वेदों के, जिन वेदों के बारे में अभी हमने अध्ययन किया है, उन वेदों के विधि विधान का वर्णन है। किसका वर्णन है? वेदों के विधि विधान का वर्णन है, वेदों की परंपराओं का वर्णन है, वेदों को किस तरीके से पढ़ा जाना है, वेदों को पढ़ते समय किन परंपराओं का प्रयोग करना है, वैदिक क्रियाएं करते समय किन नियमों और किन बातों का ध्यान रखना है, आदि सभी विषयों पर कहां अध्ययन किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में। दरअसल ये परंपराएं हैं वेदों की। वहीं जो तीसरा साहित्य हमारे पास आता था श्रुतियों में, उसका नाम था आरण्यक। दोस्तों आरण्यक ये जो नाम है ये भी आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, संस्कृत भाषा में एक शब्द है अरण्य। दरअसल ये जो अरण्य शब्द है इसका सही अर्थ ही क्या होता है? वन, जिसे हम जंगल के नाम से भी जानते हैं, वो वन या जंगल। दरअसल जो अरण्य शब्द है वो अरण्य शब्द संस्कृत भाषा में जंगल का अनुवाद देता है या जंगल का अर्थ देता है, इस वजह से इनका नाम अरण्यक रखा गया, क्योंकि ये लिटरेचर जो थे वो अरण्य यानी वनों में रहकर लिखे गए। ऋषि मुनियों ने इनकी रचना कहां की? वनों में रहकर की। वहीं हमारे पास जो चौथा क्रम आता है श्रुति साहित्यों का वो है उपनिषद। दोस्तों जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर सुनना। क्या अर्थ होगा? गुरु के पास बैठकर सुनना, गुरु के पास बैठकर सुनना। दरअसल उपवेदों का एक अन्य नाम भी है, इन्हें वेदों का अंत भी कहा जाता है। वेदों का अंत यानी कि इन्हें वेदांत कहा जाता है। इन उपनिषदों की जो कुल संख्या हमें मिलती है वो कुल संख्या है, उपनिषदों की जो कुल संख्या हमें मिलती है वो कुल संख्या है 108, यानी कि संपूर्ण वेदों पर 108 उपनिषद लिखे गए। इन उपनिषदों का क्या विशेष महत्व है? दोस्तों इसका मतलब आपको इसके अर्थ से क्लियर हो रहा होगा कि उपनिषद का अर्थ है वेदों का अंत और गुरु के पास बैठकर सुनना। दरअसल उपनिषद वेदों का अंत इस प्रकार कहे गए हैं, जैसे अगर हम कोई आर्टिकल, कोई अनुच्छेद लिखते हैं या हम कोई निबंध लिखते हैं, तो उस निबंध को लिखने के बाद उसके लास्ट में हम क्या करते हैं? एक उपसंहार लिख देते हैं। उस उपसंहार को हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमने जो भी कुछ ऊपर कहा, लिखा, अभिव्यक्त किया, उसका एक सार हम व्यक्त कर सके नीचे, उसे कंक्लूड कर सके हम नीचे। किसी भी टॉपिक को इसी तरह से हम समाप्त तो नहीं कर सकते। मैं भी आपको यूं ही पढ़ाकर जा तो नहीं सकता, मैं भी अपने टॉपिक्स को कंक्लूड करने के बाद ही यहां से जाऊंगा। उसी तरह से वैदिक साहित्य जो लिखा गया, उस वैदिक साहित्य का क्या मोरल था, क्या शिक्षा थी, उस शिक्षा का सार, उसका कंक्लूजन वेदों के अंत में इन उपनिषदों में लिखा गया। और अपने हर वेद के अपने कुछ उपनिषद हैं जो वेदों का अंत प्रस्तुत करते हैं। तो क्योंकि ये वेदों के अंतिम साहित्य हैं और ये बाद में लिखे गए हैं, इसलिए इनका नाम ही वेदांत पड़ गया। ये गुरुओं द्वारा वो दी गई वो शिक्षाएं भी थीं दरअसल, जिनमें वेदों का सार निहित था, जिनके आधार पर ही गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को वैदिक शिक्षा प्रदान करते थे, इसलिए इन्हें कहा गया गुरु के पास बैठकर सुनना।
तो वैदिक साहित्य में श्रुति साहित्य के ये चार प्रमुख अंग माने जाते हैं, पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। दोस्तों वैदिक साहित्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और वैदिक साहित्य के लिए उसके क्या क्या अंग और कौन कौन से भाग हमारे लिए और महत्वपूर्ण है और उसके क्या तथ्य हमारे लिए आवश्यक हैं, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई इसी तरह से जारी रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, यहां पर हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाएंगे जिसमें हम और भी अच्छे से आपको ज्ञान देने की या आपको और ज्यादा अच्छी एडवाइसेस देने की आपके एग्जामिनेशन में, और आपको और अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आप हमें खुद भी इतने सजेशंस दीजिएगा कि हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आप सभी बहुत अच्छी तैयारी करें। इसी के साथ आज मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं, हम आगे और किसी लेक्चर के साथ मिलेंगे इतनी ही एनर्जी से। आप भी एनर्जेटिक बने रहिएगा और अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।